पे घास का भी मुझे गुच्छा मिल गया जो कि सूखा हुआ है, तो उसमें आग पकड़ाऊंगा तो तुरंत ही पकड़ ले। तो ये हम लोग इसमें आग में डाल देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज पहली बार फेल हो गए, पोपट हो गया गाइज, बेवकूफ़ बन गए, किस्मत साथ नहीं दिया। चलो एक लोकल भैया था गाइज, उन्होंने बताया कि चलो एक लोकल तो एक लोकल भैया थे यहाँ के, उन्होंने उनसे तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, हेल्दी होगे हमेशा की तरह। और दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो यार आज संडे है, तो संडे के दिन आज हम लोग जाने वाले बहुत ही धमाकेदार व्लॉग बनेगा, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए हो। मेरे पास ये देखो मेरा सबसे पुराना और सबसे पहला हेलमेट है दोस्तों, देख सकते हो कैसा येलोइश और अजीब सा गंदा हो गया है, और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे स्टिकर भी चिपकाए थे, इसके चलते बहुत सारा दाग वगैरह हो गया, इसमें अभी गंदा हो गया पूरा। इसमें ये लगा हुआ रहता है हमेशा चिन माउंट व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास एक नया हेलमेट भी है, ये देखो ये हेलमेट, इसका मैंने वीडियो अभी तक नहीं डाला है, अनबॉक्सिंग वो भी डाल दूंगा जल्दी ही। ये मेरा इग्नाइट का हेलमेट है, ये मेरा वेगा का हेलमेट है, तो इसमें बहुत चेंज वेंज करना पड़ता है बार बार, इसको कभी कभी यूज़ करता हूँ। तो यार जब इसको व्लॉगिंग करने के लिए भी निकलूँगा तब तो यार गंदा वगैरह लगेगा ही। चलो इसको अभी धोते हैं बढ़िया से, इसको रख देते हैं मस्त पॉलिश वगैरह मार के। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें ना, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने कॉलिन से क्लीन कर लिया, इससे बढ़िया तरीके से पूरा जितना भी डर्ट था क्लीन हो गया। उसके बाद मेरे पास 3M का पॉलिश है, पॉलिश से मैंने चारों तरफ बढ़िया से पॉलिश कर दिया इसे, ताकि लेयर बढ़िया से हो जाए इसमें क्लीनिंग का। और ये मुझे दोस्तों पेट्रोल पंप में स्टेन रिमूवर का केमिकल मिला था, 200 रुपये में मिला था, उससे पूरा वाइट चमक गया था। देखना अभी रिजल्ट्स, आप लोग देख करके दंग रह जाओगे, इतना बढ़िया क्वालिटी का रिजल्ट्स आया है। इसको पूरा मस्त अभी साफ़ कर दिए हैं, और पहले से बहुत ही ज़्यादा चमक गया है। तो चलो इसको लेके चलते हैं जर्नी पे अपने, लेट्स गो। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों एडवेंचर पे, चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं। और फिलहाल सारा जुगाड़ पानी ले लिया है मैंने, क्या करूँगा अभी, कहाँ पे जाऊँगा। सबसे पहले तो मैंने डिसाइड किया है कि एक बढ़िया सा नदी वाला स्पॉट को ढूंढा हूँ मैंने गूगल मैप में, तो चलिए जहाँ जाएँगे आपको ले चलते हैं साथ में, और मस्त एडवेंचर करेंगे, और सामान वगैरह ले लिया वहीं पर, खाना पीना सब बनाएंगे। चलो तो गाइज जैसा कि आप लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, जैसे मैंने भी देखा है, तो वही उन्हीं लोग भाई लोगों से इंस्पायर होकर के मैंने आज डिसाइड किया है कि आपका भी भाई आज जंगल में जा कर के मस्त नदी किनारे बैठेंगे, और हम लोग मस्त बनाने वाले हैं चीज़ पोटैटो। और साथ में सारा सामग्री ले लिया हूँ, लकड़ी वगैरह भी रास्ता में मुझे मिला था सूखा वाला, तो वो सब भी मैंने ले लिया है। गाइस पूरा रास्ता देख सकते हो यार, जंगल जंगल होते हुए जा रहा है। तो अभी तो मैंने गूगल मैप्स में रास्ता देख लिया, रास्ता देखते देखते जा रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। ये सब चीज़ जैसे हम लोग देखते हैं इंटरनेट पे अच्छा लगता है, तभी उस टाइप के वीडियोस को लाइक करते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी उस टाइप का वीडियोज़ बनाएँ और उस एक्सपीरियंस को भी फील करें। तो ऐसे तो हमारे जनरेशन मतलब दादा नाना लोग अपने अपने परदादा परनाना लोग अपने अपने जनरेशन में किए होंगे, तो आज हम लोग दूसरे से इंस्पायर होकर के वो सब चीज़ को फील करने जाते हैं। दो छोटे छोटे बच्चे भी दिखे हैं बाबू, तो नदी आ गए है ना, नदी। और ये बच्चा को देखो, कीड़ा को पकड़ लिया है, जो ड्रैगन फ्लाई होता है ना उससे बात कर रहा है। हम लोग भी पहले बचपन में पकड़ लेते थे, और उसके पीछे पुच्छी में रस्सी बांध देते थे। ये रास्ता तो यार बहुत ही ज़्यादा कच्चा टाइप का रास्ता है, लेट्स होप कि हम लोग सही जगह पहुंच जाएं। डायरेक्शन सही है या नहीं है? तो गाइज यहाँ पर एक लोकल भैया थे, उनसे मैंने रास्ता पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ आगे जाइए, आगे से लेफ़्ट ले लीजिएगा, तो इसी में हम आगे जा रहे हैं। यहाँ से शायद यही वाला लेफ़्ट होगा आई गेस। पानी खींचने वाला मशीन है गाइस यहाँ पर, जहाँ तक जाती है बाइक वहाँ तक लेके चलते हैं, बाकी मस्त नीचे बैठ करके हम लोग अपना काम करेंगे। बारिश के मौसम में भी ओ भाई, ये बारिश के मौसम में भी इतना कम पानी, मतलब जब बारिश नहीं होती होगी तब कितना कम पानी रहता होगा यहाँ पर। ऑफ रोडिंग कर लिया जाए क्या? चलो या, तो अभी हम लोग लगता है भाई नदी के बीच में पहुंच गए हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओ भाई साहब खतरनाक जगह है। ओए होए ये भाई साहब ये हुआ ना स्पॉट। बाइक अपने यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। तो गाइज ये अपना स्पॉट और देखो यार बाइक कितनी सेक्सी लग रही है यहाँ पर अपनी। ये याहू। और वहाँ पे दूर में देखो वहाँ पे कुछ लोग शायद मछली उछली पकड़ रहे हैं, नहा धो रहे हैं। और इतना प्यारा सा नदी है। यहाँ पर भी भाई लोग ट्रैक्टर लगा के अपना गाड़ी धोधा कर रहे हैं। और ये सामने पानी खींचने वाला मशीन है। तो यहाँ पर हम लोग अपना सेटअप लगाते हैं। चलो तो गाइज रास्ते में मुझे कुछ लकड़ियाँ वगैरह मिल गई थी तो मैंने वो सब भी उठा लिया था रास्ते में। जान रहा था कि ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी फ़िलहाल वहाँ पे घास का भी मुझे गुच्छा मिल गया जो कि सूखा हुआ है, तो उसमें आग पकड़ाऊंगा तो तुरंत ही पकड़ लेगा। आओ तो ये हम लोग इसमें आग में डाल देते हैं। अब पकते रहेगा गाइस। ठीक है छाता भी है। यहाँ पर मैंने कोशिश तो किया यार बट आग बुझ चुकी थी क्योंकि मौसम अभी ऐसा है कि बारिश वाला मौसम है। यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ जल्दी मिलती नहीं है, बाहर से भले जल जाए बट अंदर से नहीं जलती है। और मेरी सारी तिल्लियाँ भी ख़त्म हो चुकी। तो गाइज यार कोशिश तो मैंने बहुत किया बट काम नहीं किया, प्लान फेल हो चुका है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज पहली बार फेल हो गए, पोपट हो गया गाइज, बेवकूफ़ बन गए, किस्मत साथ नहीं दिया, किस्मत ने धोखा दे दिया। तो चलो चलते हैं वापस घर में जाकर बढ़िया से अपना पका करके खाते हैं, अपना संडे को ऐसे ही इंजॉय करते हैं। कोशिश तो बहुत की है, लगभग माचिस मेरा देखो ना कितना ख़त्म हो गया, पूरा डब्बा था और ये बस तीन काटी बची हुई है। गाइस अभी वापस आ चुके हैं, क्या करें यार। चलो यही मान के चलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी घर में बनाते हैं ना, मज़ा आएगा खा। डिसअपॉइंट होने का ज़रूरत नहीं है, आदमी लोग तरीका खोज ही लेता है भाई, खुश रहने का तरीका खोजना ही पड़ेगा। अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। चलो मिलते हैं। तो गाइस फाइनली देखो हमारा यहाँ लगता है आलू पक चुका है, खूब स्मेल कर रहा है, बढ़िया बढ़िया। तो ऑफ कर देते हैं गैस को, अब आओ इसे काटें। तो गाइस यहाँ आलू आ गया फाइनली अपना डिश बन चुका है। भले जंगल में तो नहीं लेकिन घर में आके बना है। और इसमें मैंने चीज़ डाल दिया है, अभी भी बहुत ही गर्म है। बॉयल्ड आलू साथ में चीज़ और चाट मसाला का भाई सही में फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ, इतना गजब का टेस्ट आ रहा है। चलो मिलते हैं इसी के साथ। आई होप आज का पोपट वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। चलो हमेशा सक्सेस नहीं होता, कभी कभार फेल भी कर जाते हैं। गिर के जीत गए गाइस, तो गिर के खड़ा होने वाले को ही चैंपियन कहते हैं। ठीक है।